मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों सबको जय मसीह के प्रेज लॉर्ड प्रेजिंग गॉड प्रेयर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे प्रियो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका खुदा कौन है? मेरा सवाल यह है कि आपका परमेश्वर कौन है? हु इज योर गॉड? मेरे प्रियो जब हम बाइबल में देखते हैं, जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं तो एक धनी युवक था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, हे उत्तम गुरु, मैं वह कौन सा भला काम करूं जिससे मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं? मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का एक सरल और सीधा जवाब था। उसने कहा, तुम परमेश्वर की व्यवस्था को तो जानते होंगे। उसने कहा, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं 10 आज्ञाओं को जानता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उसे कहा कि एक बात करना अवश्य है। उसने कहा, तेरे पास जितना भी धन दौलत है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। ये सुनते ही उस धनी युवक की सुटपुट हो गई। मेरे प्रियो मेरे कहने का मतलब है कि वो मायूस हो गया। इस बात को सुनते ही वो उदास हो गया और उसने सोचा होगा कि मैंने इस गुरु से कौन सी बात पूछ ली। वो पछताया होगा और वहां से चला गया। मेरे प्रियो हमारे जीवन में जिसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमारा खुदा बन जाता है। और इस धनी युवक के जीवन में उसका धन दौलत ही उसका खुदा था, उसका परमेश्वर था, उसका ईश्वर था। इसलिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह की बात को सुनकर वो वहां से चला गया। मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। यदि हम आजकल देखते हैं तो कई जवान, कई बहनें, कई लोग मोबाइल के उसमें फंसे हैं, लैपटॉप्स में, टीवीज में। हमें जिससे ज्यादा महत्व देते हैं वही हमारा खुदा हो जाता है। मेरे प्रियो यदि हम हमारे जीवन में जिसे ज्यादा महत्व देंगे या जिसे पहला स्थान देंगे या जिससे ज्यादा हम प्रेम करेंगे वही हमारा खुदा बन जाता है। मेरे प्रियो आजकल हम जब देखते हैं तो हर एक लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होता है। मोबाइल फोन आप यूज करते हो लेकिन जरूरत से ज्यादा यदि हम यूज करते हैं, 70-75-80% यदि हम मोबाइल को यूज करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, तो हमारे जीवन का खुदा मोबाइल है। यदि हम टीवी 70-80% हम देख रहे हैं दिन भर में तो वो हमारे जीवन का खुदा है। अगर यदि हम किसी और काम को ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर से तो वो हमारा खुदा है, क्योंकि परमेश्वर को जो समय देना होता है वो हम मोबाइल गेम में लगाते हैं, मोबाइल के वीडियोस देखने में लगाते हैं और टीवी में सीरियल देखने के लिए लगाते हैं, मूवीज देखने के लिए वो टाइम लगा देते हैं। और हमारे जीवन का जो खुदा होता है वो मोबाइल, टीवी, धन दौलत और आप हो सकता है आपका फैमिली भी। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो हमारे जीवन में जिसको हम महत्वपूर्ण देंगे या इंपोर्टेंस देंगे वही हमारे जीवन का खुदा बन जाता है। हम जिससे ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे वही हमारे जीवन का खुदा बन जाता है, क्योंकि यदि हम प्रभु को हम पहला स्थान देते हैं तो हमारे जीवन का खुदा परमेश्वर होगा। लेकिन यदि हम हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु को नहीं देते हैं तो बिल्कुल भी खुदा हमारे जीवन का खुदा नहीं है। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि आपका जो पुराना मनुष्यत्व है, पुराना इंसानियत है, उसे उतार दो और नया इंसानियत को पहन लो, मसीह को पहन लो। पुरानी बातों को छोड़ दो, पुराने स्वभाव को छोड़ दो। हो सकता है कि आप पहले ज्यादातर अपने धन दौलत में बिताते थे या हो सकता है टीवी, सीरियल, मोबाइल के गेम में आप ज्यादा समय बिताते थे, लेकिन अब प्रभु में हैं
और यदि आपने प्रभु को पहला स्थान ना देकर दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान दिया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन का खुदा परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो धन दौलत, वो टीवी, वो मोबाइल्स, वो लैपटॉप्स और वो वीडियो गेम्स। क्योंकि आपने खुदा को ज्यादा महत्व ना देकर आपने अपने धन दौलत को, टीवी को, मोबाइल को ज्यादा महत्व दिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, उसको पहला स्थान दिया है। इसलिए हमारे जीवन का खुदा ये सारी मटेरियल्स बन जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें खुदा को पहला स्थान देना है। यदि मैंने और आपने खुदा को पहला स्थान नहीं दिया है, तो आप ये समझ लेना कि मेरे जीवन का खुदा परमेश्वर नहीं है, बल्कि धन दौलत, टीवी, मोबाइल से। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल यूज ना करें, क्योंकि मैं भी एक मोबाइल से ही आपको समझा रहा हूं। लेकिन ये मोबाइल्स, ये टीवी, ये लैपटॉप हमारे जीवन के ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। जितना हम यूज करने के लिए हमें दिया गया, उतना ही यूज करें, अन्यथा हम यूज ना करें और हम परमेश्वर को स्थान दें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमें समय आता है प्रार्थना का, तब हम मोबाइल देखते हैं। जब मीटिंग्स का समय आता है, वीडियो देखते हैं। जब कहीं और परमेश्वर के काम में जाने के लिए समय मिलता है, तो हम मूवीज देखते हैं। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, हमारे जीवन का आधार परमेश्वर होना चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए, हमारे जीवन का आधार यीशु मसीह होना चाहिए। यदि मैंने और आपने परमेश्वर पिता को इंपॉर्टेंस दिया है, पहला स्थान दिया है, तो आपके जीवन का खुदा परमेश्वर है, अन्यथा आपका जीवन का खुदा वो मोबाइल और वीडियो और टीवी और मोबाइल से। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। उस धनी युवक के जीवन में वो धन दौलत था, इसलिए वो मायूस होकर चला गया और उसका खुदा वो धन दौलत बना रह गया। ऐसा ना हो कि हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस इन मटेरियल्स को दिया हो, ज्यादा महत्व हमने मोबाइल को दिया हो, टीवी को दिया हो, सीरियल को दिया हो, तो आप ये समझ लेना कि आपके जीवन का खुदा परमेश्वर नहीं है, बल्कि ये जितने भी मटेरियल्स हैं वो आपके जीवन का खुदा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने खुदा को इम्पोर्टेंस दोगे, अपना पहला स्थान पिता परमेश्वर को दोगे और अपने जीवन का खुदा परमेश्वर को समझोगे। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। जय जय।